दोस्तों, क्या आपको पता है कि रबर यानी इरेजर को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है? नहीं पता तो आइए देखते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, इरेजर को बनाने के लिए सबसे पहले सिंथेटिक रबर के क्यूब्स को दो बड़े बड़े रोलर के बीच में डाला जाता है, जिससे कि सिंथेटिक रबर पतला और नरम हो जाए। फिर इस रबर में सल्फर को डाला जाता है और कुछ देर बाद कलर को भी ऐड किया जाता है, यानी कि जिस कलर का इरेजर बनाना होता है उस कलर को डाला जाता है। फिर इसे 10 से 15 मिनट तक मशीन में घुमाया जाता है ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। फिर इसके अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद इसमें वेजिटेबल ऑयल और कैल्शियम कार्बोनेट को डाला जाता है और इनको फिर से 5 मिनट के लिए रोलर में घुमाया जाता है। जब ये मिक्सर गाढ़ा होकर सीड्स का रूप ले लेता है तो इनको मशीन से निकालकर एक दिन सूखने के लिए रखा जाता है और एक दिन बाद इन सीड्स को मशीन की सहायता से स्क्वायर शेप में काटा जाता है। फिर इनको मेटल के सीड्स में रखकर 130 डिग्री सेल्सियस तापमान पर प्रेस किया जाता है और प्रेस हो जाने के बाद इसके आसपास के एक्स्ट्रा पार्ट को काटकर इसे ठंडे पानी में डाल दिया जाता है। फिर इन रबर की सीड्स को मशीन की सहायता से छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर इन पर पाउडर डाला जाता है ताकि ये एक दूसरे को चिपके ना, और इस तरह इरेजर बनकर तैयार हो जाता है।